हरियाणा ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, कोर्ट में हुई सुनवाई। ग्रुप डी जिसकी सुनवाई कल यानी 21 नवंबर को हुई, जिस पर दो केस लगे हुए थे, उन दोनों मामलों में नेक्स्ट हेयरिंग दी गई है। 25,481 केस नंबर, उसकी नेक्स्ट हेयरिंग 28 जनवरी 2024 को दी गई है, जो वरुण ताला के केस था। सोशल इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया को लेकर इसकी नेक्स्ट डेट 18 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो दूसरा केस है, जो अर्पित वाला है, उसको जो नेक्स्ट डेट मिली है वो 31 जनवरी 2024 है। रिजल्ट पर कोई स्टे नहीं है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिजल्ट जारी कर सकता है जब भी उसका मन करे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही में ग्रुप डी के 13,356 पदों पर भर्ती के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा था। इस परीक्षा के लिए कुल 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और लगभग 5 से 6 लाख उम्मीदवारों ने इसका पेपर दिया था। परीक्षा के बाद पदों के हिसाब से एक पद के लिए 63% अभ्यर्थियों के बीच ही कंपटीशन रह गया है। हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 2 या 3 सप्ताह के अंदर इसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी और 1 महीने के अंदर इसी भर्ती का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। अब अभ्यर्थियों के मन में एसएससी ग्रुप डी के कट ऑफ को लेकर चिंता है। उसका चयन होगा या नहीं, यह उनके मन में एक सवाल यह खड़ा है। एक शोध के अनुसार आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितने नंबर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का इस भर्ती के लिए सिलेक्शन होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार एसएससी ग्रुप डी कट ऑफ 2023 के अनुसार निम्नलिखित जो कट ऑफ है वो रह सकती है। इसके तहत आपको बता दें कि जनरल के 71 अंक, ईडब्ल्यूएस के 70 अंक, बीसीबी के 68 अंक, बीसीए के 66 अंक, एससी के 63 अंक, पीएच के 55 अंक और ईएसएम के 52 अंक रहने की संभावना है।